यूपी में शिक्षकों के 69,000 पदों पर हुई भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने में नई सिलेक्शन लिस्ट जारी करने को कहा है, लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, क्या कहना है उसमें? देखिए, डिवीजन बेंच का फैसला, जिन्होंने माना कि घोटाला हुआ है, बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों का पालन नहीं हुआ, खुद के विभाग का, और आरक्षण का तो नियम पालन, तो उन्होंने कहा है आरक्षण और नियमों के अनुसार शीघ्र दूसरी लिस्ट बनाई जाए और उसको निरस्त कर दिया। क्या है उत्तर प्रदेश सरकार में, यह तो पेपर लीक हो जाता है, और जब पेपर लीक नहीं होता तो आप आरक्षण घोटाला कर देते हो, नियमावली को बदल देते हो। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच है। मैं समझता हूँ इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल जो भर्तियाँ होनी हैं उनको किया जाए, जिससे अनिश्चितता हट सके। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस पे जो ओबीसी कैटेगरी के या एससी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनके साथ नाइंसाफी की गई थी, वो भी भाजपा राज में? हाईकोर्ट ने कहा है आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो आरक्षण किसका होता है? एससी बैकवर्ड, उसका पालन नहीं हुआ। उसमें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप पूछे ना उन्हीं के मंत्रिपरिषद के लोग, केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, केंद्र सरकार की मंत्री अनुप्रिया पटेल क्या कह रही, और कांग्रेस तो चुनाव में कहती रहेगी इनका बस चले तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो जो लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग बातें कह रहे थे कि अगर इनको 400 सीटें मिलती हैं तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आपके उन आरोपों पर मुहर लगाई हाईकोर्ट ने? मैं फिर कहना चाहता हूँ, आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त करने का या संविधान बदलने का अब मादा नहीं रहा भाजपा में। जनता ने हमें सरकार दी हो न दी हो, इतनी ताकत लोकसभा में दी है, कभी संविधान नहीं अम्बेडकर साहब का बदल पाएंगे, उसके लिए हम विरोध करेंगे। हमें क्या कहना, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कह रही कि आरक्षण का पालन नहीं हुआ। अच्छा, यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या इसे मुद्दा बनाएंगे उपचुनाव में? देखिए, मुद्दे ये नहीं बनाए जाते, जनता बनाती है। अभी तो हरियाणा में चुनाव हो रहा है, अभी तो चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या वहाँ मुद्दा नहीं बनेगा? मुद्दा तो जनता बनाती है। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये प्रधानमंत्री की नैतिक हार, जो कल चुनाव के चित्र घोषणा हुई, वो कहते थे वन नेशन वन इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पर्याप्त तो फोर्स नहीं थी इसलिए हमने 2 राज्यों का कराया। अरे, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हैसियत और हिम्मत नहीं कि महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव करा सके, इसीलिए 2 राज्यों में कराने की प्रयास की। जो 4 राज्य में प्रयास न कर सके प्रधानमंत्री जी, पर्याप्त फोर्स न दे सके, वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात जनता से क्षमा मांगते हुए प्रधानमंत्री जी अब करना बंद करते। अच्छा, एक बार फिर से आज रेल हादसा हुआ है, कानपुर में एक पैसेंजर ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, क्या कहना है? कोई न्यूज़ है? न्यूज़ तो उस दिन बनती है जिस दिन दुर्घटना ना हो, रोजी तो कोई ना कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है, और उसके जिम्मेदार रेल मंत्रालय। आप ट्रेन की पटरियों पे बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, ट्रेनों का किराया बढ़ाते जा रहे हैं, पर पैसेंजर को सुरक्षा नहीं दे रहे। जो कुछ हुआ है कानपुर में, 22 डिब्बे तो पलट गए, अब कोई मरा नहीं, इस पे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो तो उनका भाग्य था नहीं मरे, पर 22 डिब्बे तो पलट गए। साबरमती एक्सप्रेस जो प्रधानमंत्री के गृह निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से चलती है और उनके गृह निर्वाचन अहमदाबाद तक, शर्म करो प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी, नैतिकता पे इस्तीफा दो। रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग है, कैसे करूँ, कह तो रहा हूँ ना कि रेल मंत्री इस्तीफा दो। धन्यवाद। तो ये हैं प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नियमों का पालन करके नए सिरे से शिक्षक भर्ती की लिस्ट जारी की जानी चाहिए, और साथ ही रेल दुर्घटना पर जो है वो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.